खबर गरियाबंद जिले से है, जहां बिंदवानवा गढ़ से विधायक बने जनक लाल ध्रुव आज सुबह अचानक मैनपुर स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 10वीं क्लास रूम में पहुंचे और छात्र छात्राओं से उनका परिचय जाना। इसके बाद विधायक जनक लाल ध्रुव ने छात्र छात्राओं को इतिहास और सामाजिक विज्ञान विषय पर लगभग एक घंटे तक पढ़ाया। इस दौरान विधायक की सुरक्षा में तैनात जवान जब उनके पीछे पीछे स्कूल पहुंचे, तब छात्र छात्राओं को पता चला उन्हें पढ़ाने वाला कोई शिक्षक नहीं बल्कि क्षेत्र के विधायक जनक ध्रुव हैं। छात्र छात्राओं को विधायक के बारे में जानकारी लगते ही कई छात्र छात्राओं ने विधायक से कई रोचक सवाल पूछे, जिस पर विधायक ने भी बच्चों से सवालों के जवाब बड़े ही उत्साह से दिए और उसका जवाब दिए। इस दौरान विधायक जनक लाल ध्रुव ने बताया कि इस विद्यालय में शिक्षक कमी व मूलभूत समस्याओं की लगातार शिकायत मिल रही है, जल्द ही शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर सभी समस्याओं के समाधान की बात की जाएगी। हमारे स्कूल में आज अचानक से विधायक साहब आ गए थे और साइंस को पढ़ाए, बहुत अच्छा लगा। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान बहुत अच्छे से पढ़ाए और उसके टॉपिक वॉपिक को भी बताए हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए संकेत भी दिए। कोई आया तो हमें ऐसी कोई नए शिक्षक आए लगा, तो फिर जब क्लास में आया तब पता चला, वो भी अपना बारे में बताए, हमारे बारे में पूछे, हमें पढ़ाए, बहुत अच्छा लगा। आज स्कूल में कोई नए व्यक्ति आए तब हमें लगा कि ये भी सामान्यतः शिक्षक ही हैं जो बाहर से आए हैं हमें पढ़ाने आए हैं, लेकिन जब उनके साथ उनके सिक्योरिटी गार्ड आए, उनसे पहचान हुई, तब हमें पता चला कि वे इस बिंदवानवागढ़ क्षेत्र के विधायक हैं। विधायक साहब हमें बढ़िया से पढ़ाए, उनका पढ़ाया हुआ हमें अच्छे से समझ आया और वे एक टीचर के जैसे ही पढ़ाए, वे बहुत अच्छे से पढ़ाए। शिक्षक के रूप में 20 साल तक काम किया हूँ, एक अचानक मन में पढ़ाने का मन इच्छा जाहिर किया और अचानक मैं कक्षा 10वीं में चला गया और पढ़ाने की कोशिश किया तो बहुत पुराने दिन याद आ गए मेरे को। बहुत अच्छा लगा, बच्चे बहुत अच्छे लगे, पढ़ने के प्रति खूब उन लोगों में लगाव है। मैं बच्चे लोगों का बहुत ढेर सारे प्रश्न पूछे, विधायक कैसे बनते हैं, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, राज्यपाल कैसे बनते हैं, राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, मंत्रिपरिषद कैसे बनते हैं, ढेर सारे सवाल किए, बहुत अच्छा लगे बच्चे। और सारे बच्चों को बहुत शुभकामना देता हूँ कि खूब पढ़े और इस हमारे इस मैनपुर का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और एक प्रदेश और देश में खूब अच्छा अपने जीवन में काम करें। यही भावना के साथ उन सब लोगों को मैं आशीर्वाद भी दिया, बहुत अच्छा लगा, पुराने दिन याद आया। यहाँ पे ढेर सारी समस्या का दूर करें, जब आया यहाँ पढ़ाने के लिए तो बहुत अच्छा लगा, पुराने दिन याद आ गया।